सर्वार्थ सिद्धि अध्याय नंबर 7 पेज नंबर 285 अंतिम पंक्ति गद्य नंबर 2716 उक्ता व्रतानां अतिचारा शीलानां अतिचारा वक्षन्ते। कहते हैं व्रतों के अतिचार यहाँ पर कही गए, अब शीलों के अतिचार को कहेंगे। तद यथा, आगे चलें पेज नंबर 800 पेज नंबर 286 286 सूत्र नंबर 30। अब यहाँ पर शीलों के तो सबसे पहले दिग्व्रत के अतिचार बतलाते हैं। ऊर्ध्वा धस्त्रियक व्रतिक्रम क्षेत्रवृद्धि स्मृत्यांतरा धानानी। ऊर्ध्व अधा त्रियक और व्रतिक्रम शब्द तीनों में लगाना, तो ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधा व्यतिक्रम और त्रियक व्यतिक्रम। क्षेत्रवृद्धि, क्षेत्र को बढ़ाना। और स्मृति अंतराधान अर्थात भूल जाना, स्मृति से लुप्त हो जाना। देखते इनका विस्तार, गद्य नंबर 717 परिमितस्य दिग्वधे दिग्वधे अतिलंघनम अतिक्रमम अतिक्रमः। परिमित अर्थात जो मर्यादित की गई, किसकी मर्यादा, दिग अवधि, दिशाओं की मर्यादा जो निश्चित की गई हो उसका उल्लंघनम उल्लंघन करना अतिक्रम अतिक्रम है। जो दिग्व्रत में मर्यादा की गई थी उन दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन करना यह अतिक्रम है। एक एक शब्दाचार्य महाराज अच्छी तरह समझा रहे, वह अतिक्रम कितने प्रकार का है, तो कहते हैं वह अतिक्रम तीन प्रकार का है। शा समास समासतः त्रिविधा, ऊर्ध्व व्यतिक्रमः अधो व्यतिक्रमः त्रियक व्यतिक्रमास चेति। वह तीन प्रकार का है, ऊर्ध अधो और त्रियग। तत्र वहाँ पर्वतादि आरोहणात् ऊर्ध व्रतिक्रमः, पर्वत आदि पे चढ़ना, जो ऊंचाई संबंधी मर्यादा ऊर्ध दिशा की थी, क्योंकि मर्यादा दसों दिशाओं में होती है, तो चार मुख्य दिशाएं, चार विदिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे, ये दसों दिशाओं में मर्यादा की थी। तो अब ऊपर चढ़ते समय पहाड़ आदि में जो मर्यादा की थी उसका उल्लंघन कर देना, इसका नाम है ऊर्ध अतिक्रम। जो ऊपर संबंधी मर्यादा की थी चढ़ने की उसका अतिक्रम कर देना। आगे अब अधा व्यतिक्रम क्या है, कूप अवतारणात् अधो व्यतिक्रमः, कुएं आदि में उतरना। अब कुआ आदि है या कोई गुफा आदि है या नीचे कुछ बना हुआ है, उसे देखने के उद्देश्य से नीचे गया और जितनी उसने मर्यादा की थी उस मर्यादा से अधिक चला जाना। त्रियग व्यतिक्रम क्या है, तो त्रियग व्यतिक्रम कहते हैं बिल प्रवेशा त्रियग व्यतिक्रमः। त्रियग शब्द का अर्थ होता है ऐसा, तिरछा, तो बिल आदि के माध्यम से बिल आदि में प्रवेश करना, घुसना, यह त्रियग व्यतिक्रम है। और आगे परिग्रहीताया दिशो लोभा लोभ लोभावेशात अर्थात लोभ के आवेशात आधिक्य अभिसंधि क्षेत्र वृद्धि। परिग्रहिता अर्थात की गई मर्यादा में, जो दिशाओं की मर्यादा की थी उसमें लोभ के आवेश के वश से आधिक्य संधिकृतः
उसे अभिप्राय को बढ़ा लेना, क्षेत्र वृद्धि है, नियम को ही बढ़ा लेना। कैसे? जैसे आप वहाँ पहुँचे और पहुँचकर आपने देखा कि अरे ये स्थान तो बड़ा रमणीय है, उन्होंने कहा अरे यहाँ की क्या सुंदरता देखी, यहाँ से आप 5 फीट 10 फीट 15 फीट या 25 फीट आगे बढ़ेंगे वहाँ और सुंदरता है। अब आपकी मर्यादा तो यहाँ समाप्त हो गई, अंतिम स्थान तक आ गए, तो क्या सोचा अरे इतनी मर्यादा और बढ़ा लो, या उस तरफ कम कर लेंगे इस तरफ बढ़ा लें, इस प्रकार क्षेत्र वृद्धि होती है। सा एष अतिक्रमः प्रमादात् मोहात् मोहात् व्यसंगात् भवति इति अवशेयः। कहते हैं यह इस प्रकार का जो व्यतिक्रम है अर्थात उल्लंघन है या मन में भाव ही आया है, ये कैसे आता है? तो प्रमादात् प्रमाद से, मोहात् मोह से, या व्यसंग से। मर्यादा का इस प्रकार से ये व्यतिक्रम क्यों आया? तीन कारण इसमें दिए, पहला तो प्रमाद वशात, फिर मोह वशात, और व्यसंग अर्थात किसी प्रकार की परिस्थिति वशात इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। अनुस्मरणम स्मृत्यंतराधानम अनुस्मरण अर्थात की हुई मर्यादा का भूल जाना, अननुस्मरण, जो आपने मर्यादा की वही दिमाग में नहीं कितनी मर्यादा की थी। ते एते दिग्विरमणस अतिक्रमः अतिचारः, ये एते एते ये पांचों जो ऊपर कहे गए दिग्व्रत विरमणस्य अतिक्रमः अतिचारः, दिग्व्रत जो दशों दिशाओं की मर्यादा रूप दिग्व्रत लिया था उसके अतिचार यहाँ पर बतलाए। अब आगे आचार्य कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत जो अवदेश व्रत, ये दिग्व्रत हुए अवदेश व्रत के अतिचारों को कहते हैं। सूत्र नंबर 31, आनयन पेश प्रयोग शब्द रूपानुपाद पुद्गल क्षेप, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपान शब्द अनुपात रूपानुपात और उद्गल क्षेप, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द अनुपात रूप अनुपात और उद्गल क्षेप। अब इनका विस्तार बतलाते, गद्य नंबर 718, आत्मना संकल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशात किंचित आनयति इति आज्ञापन मा आज्ञापनम आनयनम। कहते हैं आत्मनः स्वयं के द्वारा अपने द्वारा संकल्पिते देशे, जो संकल्पित देश है उसमें स्थितस्य स्थित होते हुए उसमें ठहरे हुए व्यक्ति या पुरुष को क्या करना, प्रयोजन वशात प्रयोजन के वश से, यत किंचित आनयेत लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए या किसी वस्तु को लेने के लिए, आज्ञापनम आज्ञा प्रदान करना, क्या है आनयन। स्वयं तो मर्यादा में रहे और उस मर्यादा में स्थित किसी व्यक्ति से कहा भैया वहाँ चले जाओ और वहाँ से वह वस्तु लाना, अरे आप स्वयं जाओ ना, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे तो व्रत है, मेरी तो मर्यादा है, तो भैया आपकी मर्यादा है तो आप दूसरे को भेज भी नहीं सकते, दूसरे को भेजने पर आपको अतिचार लग गया इसलिए दूसरे को भी नहीं भेज सकते, इस प्रकार ध्यान में रखना। आगे एवं कुर्विन्ति नियोगा प्रेष्य प्रयोगा एवं, और ऐसा करो इस प्रकार कार्य में लगाना, ये क्या है प्रेष्य प्रयोग है, भेजकर मंगाना
प्रेष्य प्रयोग अर्थात किसी को मर्यादा के बाहर भेजना, इसका नाम है प्रेष्य प्रयोग। पहले वाले इसमें क्या अंतर है, पहले वाले में वस्तु आदि को मंगाना है और दूसरे वाले में जरूरी नहीं कि वस्तु आदि मंगाई जाए लेकिन फिर भी किसी को भेजा जाए वस्तु। आगे कहते हैं शब्द रूपानुपात। क्या है शब्द रूपानुपात? व्यापार का व्यापार करान पुरुषान प्रति अभ्युत्कार कारिश आदिकरणम शब्दानुपात। क्या करना? व्यापार आदि के उद्देश्य से, व्यापार आदि किसी उद्योग में जुटे हुए पुरुष उनके प्रति क्या करना? कषाद आदिकरणम खास आदि खांसी आदि के माध्यम से आवाज करना। जैसे आप वो मर्यादा के क्षेत्र में स्थित हैं और कोई व्यक्ति उसके बाहर है, उसको बुलाना है तो क्या करना? इस प्रकार की खांसी आदि करके इस प्रकार शब्द आदि करना। फिर आगे कहते हैं रूपानुपात क्या है? सुविग्रह दर्शनम रूपानुपात, अपना स्वयं का शरीर दिखाकर उसे बताना, देखो यहाँ हम हैं इस मर्यादा के अंदर। विग्रह शब्द का अर्थ होता है शरीर, स्व मतलब अपना। फिर पुद्गलक्षेपा, तो कहते हैं लोष्टादि निपात पुद्गलक्षेपा, पत्थर आदि फेंकना। यहाँ हिंदी में ढेला शब्द का प्रयोग किया है, वो पत्थर के जो बड़े बड़े होते हैं उनको फेंक कर इशारा करना कि हम यहाँ पर हैं। ताइति देश विरमणस्य पंच अतिचारः। और अंतिम कहते हैं 32 नंबर, ये तीन आपके गुण व्रत चल रहे हैं। तो अंतिम गुण व्रत है अनर्थ दंड व्रत, जो कि 5 प्रकार का था, तो उसके अतिचार बतलाते हैं। सूत्र नंबर 32, कंदर्प कौतकुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकरण करणोप भोग परिभोगनर्थक्यानी। कंदर्प कौतकुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकरणोप भोग परिभोगानर्थक्यानी नर्थक्यानी। कंदर्प कौतकुच्छ मौखर्य असमीक्षाधिकरण और भोग परिभोग अनर्थक्यानी, ये 5 अतिचार बतलाए। कौन कौन से हैं इनका विस्तार दिखाते आचार्य कहते हैं सूत्र नंबर गद्य नंबर 719, रागोद्देका प्राहाश प्राहाश मिश्रो अशिष्ट वाक् प्रयोग कंदर्पः। राग के उद्रेग से, राग की तीव्रता वश प्रहास मिश्रो हार्ष से मिश्रित, हंसी से मिश्रित अशिष्ट वाक् प्रयोग अशिष्ट वचन बोलना, ये कंदर्प है। तदी तत्त एव उभयम् परत्व दुष्ट काय कर्म प्रयुक्तम कौतकुच्यम। और राग के उद्रेक वशात हसी से मिश्रित होकर अशिष्ट वचन बोलते हुए दूसरे के शरीर के साथ खोटी चेष्टा करना, कुचेष्टाएं करना, अर्थात असभ्य वचन बोलते हुए और दुष्चेष्टाएं करना, ये क्या है? कौतकुच्य। मौखर्य क्या है? ध्रष्टार्य अभिप्रायम यत किम मनार्थकम बहु प्रलापित्वम मौखर्यम। धृष्टता पूर्वक धीष्ट होकर, मतलब कोई लाज शर्म शेष ना रहे, ऐसे धृष्टता पूर्वक प्रायम यत किम वा अनर्थकम बिना ही मतलब के, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे बिना मतलब के बहु प्रलापित्वम बहुत अधिक बोलना, बकवास करना, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार की क्रिया चेष्टा का करना, बकवास करना मौखर्यम। असमीक्षा अधिकरण क्या है?
तो कहते हैं असमीच प्रयोजन प्रयोजनम आधिक्येन करणम असमीक्षाधिकरणम। कहते हैं प्रयोजन का विचार किए बिना असमीच प्रयोजन, प्रयोजन को जाने बिना इसका प्रयोजन क्या होगा इसको की विचार किए बिना करणम अधिकरणम और कुछ भी करना इसका नाम है अधि असमीक्षाधिकरण। जो चीज आपकी मर्यादा में नहीं है ऐसा कार्य नहीं करना। फिर आगे कहते हैं भोग उपभोग या भोग परिभोग, इसमें भी लिखा बिना विचारे मन वचन काय की निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करना असमीक्षाधिकरण है। अब भोग परिभोग नर्थक के क्या है तो कहते हैं अंतिम पंक्ति यावत अर्थेन उपभोग परिभोगौ स अर्थस्ततो अन्यस आधिक्यम आधिक्यम अनर्थकम्। जब तक अर्थ उपभोग प्रयोजन वशात भोग परिभोग है जिनका कोई उद्देश्य है जितनी आवश्यकता है उतना तो अर्थ है तथा अन्य और उससे जितना अन्य है बचा हुआ है भिन्न है वह सब अनर्थक्य है, वह सब अनर्थ है, वह सब ही भोगोपभोग अनर्थक्य है अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना। ते एते पंच अनर्थ दंड विरते रतिचारः, ये पांचों अनर्थ दंड नामक व्रत के अतिचार हैं। इस प्रकार ये गुण व्रतों के अतिचार पूर्ण हुए।